हमारे साथ इस वक्त सुशील मिश्रा जी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये उन तीन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने महंत नरेंद्र गिरी और स्वामी आनंद गिरी इन दोनों के बीच पैचअप कराने की कोशिश की थी। लखनऊ में जो है इन दोनों का समझौता कराया था, लेकिन वो समझौता क्यों विफल हो गया, क्या फार्मूला इन लोगों ने निकाला था और आखिर बात कहाँ बिगड़ गई, सुशील जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। सुशील जी, आप लोगों ने क्या फार्मूला निकाला था, क्या कुछ तय हुआ था और आखिर बात कहां बिगड़ गई, गलती इस मामले में किसकी है, गुरु की है या शिष्य की है? देखिए, हम लोग मंदिर से जुड़े थे, महाराज जी से जुड़े थे, महाराज जी से जुड़े होने के कारण आनंद गिरी जी उनके शिष्य थे, उनसे भी संबंध था। जब आनंद गिरी ने महाराज जी पर आरोप लगाए मीडिया में और सोशल मीडिया पे चैनलों पे, उससे बड़े महाराज जी आहत थे। उन्होंने तमाम अन्य शिष्यों को भी इस पक्ष में लगाया था कि हम लोगों के बीच में बैठ के बात हो जाए और इससे हिंदुत्व की बदनामी हो रही है, सनातन धर्म की बदनामी हो रही है, मंदिर और मठ की बदनामी हो रही है। और हम लोग सिर्फ ये बताइए कि आप लोगों ने जो बैठक की थी उसमें सब कुछ तय करा दिया था, ये तय करा दिया था कि गुरु पूर्णिमा के दिन आनंद गिरी मठ आएंगे, अपने गुरु का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद उनका निष्कासन खत्म हो जाएगा, आखिर बात बिगड़ी कहाँ से, कौन जिद पर अड़ा? देखिए, जब वहाँ पे वार्ता हो गई थी तो एक कमरे में आधे घंटे बड़े महाराज छोटे महाराज बैठ के वार्ता किए, वार्ता के बाद बाकायदे सीडी जारी किए और एक समझौता पत्र जारी किए, जो तीनों बिंदु आप बता रहे हैं। तीनों बिंदु में एक बिंदु यह था कि आनंद गिरी महाराज बिना शर्त माफी मांगे ले और जो भी कृत्य उन्होंने अभी तक किया सोशल मीडिया इस पे, उसको वापस लेते हुए पूरे पंच और अखाड़ों से माफी मांग ले। इसके एवज में बड़े महाराज नरेंद्र गिरी जी उनको एक महीने या दो महीने के अंदर वार्ता करके अखाड़े से इनकी वापसी कर देंगे और इनको मठ में आके गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करने का अधिकार है। ये सब वार्ता के बाद बड़ी हंसी खुशी माहौल में आनंद गिरी जी हरिद्वार गए, वहाँ से आए थे, महाराज जी यहाँ चले आए, फिर अच्छा परस्पर इन लोगों की एक दो बार टेलीफोनिक टाक हुई, उसके बाद मई के बाद हमारी फिर कोई मुलाकात आनंद गिरी जी से नहीं हुई। बात कहाँ बिगड़ी, कब इन लोगों से क्या संबंध फ्रैक्शन हुआ इसकी? सुशील जी, एक और अहम बात आपको बता दें कि हमारे पास जो जानकारी है कि आप तीन लोग जो एडिशनल एसपी ओपी पांडे हैं, आप और समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश, आप तीनों लोगों से पुलिस पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। अगर आपसे पूछताछ की जाती है, आप लोगों को तलब किया जाता है, तो आप क्या कुछ बताएंगे कि गलती आखिर किसकी है, गुरु की गलती है या शिष्य की गलती? देखिए, हम तो हर जांच में, हम तो मतलब किसी भी जांच में सहयोग देने के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन हम ये तय नहीं कर सकते कि गलती दोनों पक्ष में किसकी हुई। हम लोगों के सामने तो दोनों लोगों की परस्पर वार्ता, परस्पर बातचीत हो गई थी, उसकी आपने सीडी देख ली है, समझौता पत्र देख लिया है, तो उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से हट गए। महाराज जी से मुलाकात होती रही, कभी उन्होंने ऐसी कोई हमसे नहीं। अच्छा, जब आप लोगों ने समझौता कराया था, क्या तब भी इस तरीके की कोई बात हुई थी कि कोई तस्वीर बनाई गई है, कोई वीडियो बनाया गया है, उसको सामने नहीं लाया जाएगा, कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को ब्लैकमेल नहीं करेगा, क्या इस तरीके की कोई बात? कोई ऐसी वहाँ पे कोई वार्ता नहीं हुई थी, महाराज जी और छोटे महाराज अंदर आधे घंटे लोग आपस में वार्ता। मोइन, आप हमारे साथ बने रहिए, जब हम लोग अंदर। और ये अभी जो आप मोहम्मद मोइन के साथ खड़े हैं, सुशील मिश्रा है, वही सुशील मिश्रा है बीजेपी के नेता जिनका जिक्र आज सुबह से हो रहा है। सब लोग ये कह रहे हैं कि